हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग छापेकर, जो आपको बताता है बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्मों का हाल। तो इस हफ्ते रिलीज हुई है डायरेक्टर मिलन लुथरिया की बादशाह। बादशाह काफी समय से बड़े इंतजार की जा रही थी, चर्चित फिल्म थी, कहा जा रहा था कि वो इमरजेंसी पे इस फिल्म में है। अजय देवगन, इमरान हाशमी, ईशा गुप्ता, इलियाना डिक्रूज, संजय मिश्रा, ऐसे बड़े पावरफुल एक्टर्स सारे इसमें हैं। कहा जा रहा था ये फिल्म इमरजेंसी पर है, लेकिन जब मधुर भंडारकर की फिल्म आई थी इंदु सरकार, बड़ा बवाल मचा था कि दोनों फिल्में एक जैसी, लेकिन ये फिल्म इमरजेंसी पर नहीं है। ये सिर्फ एक बैकड्रॉप उन्होंने दिखाया है कि उस समय के राजा महाराजाओं पर क्या बीती, इसको बताने की कोशिश यहाँ पर मिलन करते हैं। लेकिन यहाँ पर मिलन बहुत चीटिंग कर जाते हैं। फिल्म जब शुरू होती है आपको लगता है एक इंदिरा गांधी और इमरजेंसी के हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इंदिरा जी, उनके उनके विजुअल्स चलते हैं, इमरजेंसी के विजुअल्स चलते हैं, संजय गांधी के विजुअल चलते हैं, और आपको लगता है कि वाकई आप एक बड़ी सुलझी हुई फिल्म देखने जा रहे हो, और 5-6 मिनट के बाद आपको लगता है कि बॉस ये तो टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म आप देखने जा रहे हो, तो आप वहां से पहली बार ठगासा महसूस करते हो। खैर, आप उस माहौल में जज्ब करते हो खुद को और आप चलते हैं। इंटरवल तक आपको फिल्म बहुत खूबसूरती से लेके जाती है, आपको एंटरटेन करती जाती है, लेकिन इंटरवल के बाद आपको लगता है कि मिलन जी कंटेंट और डायरेक्शन इसका मिलन हो नहीं पाया। मतलब कहां पे क्या जा रहा है, किस कौन सा आर्टिस्ट क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, और क्लाइमेक्स में तो आपने कमाल ही कर दिया। मतलब ये चारों लोग उस फायरिंग में बच कैसे गए, ये पता नहीं राजकुमारी कहां चली गई, बॉस ऑसम मिलन। तो मुझे लगता है कि मैं जैसे उम्मीद कर रहा था इस फिल्म से कि काफी इंटरटेनिंग होगी, ऐसा कुछ निकला नहीं। परफॉर्मेंस लेवल पर अगर मैं बात करूं तो अजय देवगन हमेशा उनका स्क्रीन प्रेजेंस देखने लायक होता है, इलियाना डिक्रूज बड़ी समर्थ अभिनेत्री है, इमरान हाशमी एक अलग ही उसमें नजर आते हैं, उन्होंने फ्रंट फुट पे खेला है एकदम। ईशा गुप्ता से मुझे जो उम्मीद नहीं थी, जिस तरह के रोल अभी तक उन्होंने किए उससे बिल्कुल अलग ईशा गुप्ता नजर आती है। संजय मिश्रा सदाबहार है, उसके बारे में कुछ कहना ही गलत है, वो हमेशा ही बढ़िया अभिनय करते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे अभिनेताओं ने शानदार परफॉर्म किया, लेकिन इनका जो पिच था, जो स्टोरी थी, वो इतनी खराब थी कि रन तो बने नहीं बॉस। तो मामला हो गया टाइटा फिस। मैं इस फिल्म को, अगर आप हार्डकोर अजय देवगन के फैन है, हार्डकोर इमरान हाशमी के फैन है, तो आप देखने जा सकते हैं, अदरवाइज मतलब शुभ मंगल सावधान। और मैं इस फिल्म को देता हूं 5 में से 2 स्टार। 2 स्टार अजय देवगन, इमरान हाशमी, ईशा गुप्ता और इलियाना डिक्रूज के लिए। मिलन जी आपसे मैं माफी चाहूंगा, 5 में से 2 स्टार।